कर सकूं, किसी की फोन कॉल को मैं ट्रेस कर सकूं, या मैं किसी को सुन सकूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। अगर ऐसी बात भी है तो हमारे इल्म में भी ये बात लाई जाए, अगर ऐसा है तो। मतलब ये तासुर देना कि वो लंदन से कनेक्टेड है, शायद इसलिए उनको गिरफ़्तार किया जाता है, मैं समझता हूँ ये भी इंसाफ के तकाजों के मुताबिक। अगर ऐसा है 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाए, और उनका अगर ये भी जुर्म है ये बताया जाए कि वो ये जुर्म है, उन पर मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा बनाया जाए। लेकिन ये इस तरह किसी को उठाकर दिन दहाड़े ले जाना और लापता कर देना, ये कम अज़ कम इस महजब और ये जो जदीद दौर है इसमें, ये पूरी दुनिया में इसका अच्छा तासुर नहीं लाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी कौमी सलामती के इदारे ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की है तो उन्हें फौरन अदालत में पेश किया जाना चाहिए या बरी या रिलीज कर दिया जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमारे इसके अलावा भी जो मिसिंग साथी हैं, जो लापता हैं, उनकी उन्हें भी बाजियाब होना चाहिए, हमारे दफातर हमें वापस मिलने चाहिए। ये तो मैंने सुना हुआ कहीं, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन हमारी मासूमियत और शराफत का भी लोग फ़ायदा ना उठाए भाई। और हमने भी कहा है कि फिर हम भी, हमारी जो एक अवामी ताईद और हिमायत है 5 नवंबर का कराची का हालिया तारीख का कामयाब और सबसे बड़ा जलसा था, इसी तरह हैदराबाद का जलसा भी अंदरून सिंध और हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। मैं समझता हूँ कि अब इस बात को मान लेना चाहिए कि एमपीके पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम और दायम है, अपनी मुकम्मल अवामी हिमायत और ताईद के साथ कायम है, और वो कहीं जाने वाली नहीं है और कहीं गई भी नहीं है। तो अगर किसी को ये खाम ख्याली और खुशफहमी है तो वो भी उसको दुरुस्त कर ले, बाद में ज़्यादा बड़ा धचका लगेगा जब 2018 के नतीजे आएंगे। तो इससे पहले इस रियलिटी को आज ही तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया। आपने मासूम क्यों कहा डॉक्टर साहब को? बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत अच्छे लगा। भाई इन्होंने मासूम है तो लग रहा, इन्होंने बहुत सारे नहीं भोले भाले, वैसे ही मासूम है। नहीं वैसे ही मासूम है, वैसे ही चेहरे से भी।